अमर हूँ मैं आत्मा, गीता सिखाती है मुझे अज अमर अद्वैत हूँ, गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए मनुष्य को, हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। हर रोज अपने जिंदगी का यूं ही शुरुआत आप कर लीजिए कि अपने सुबह का शुरुआत जैसे आप दवा से, व्यायाम से, योग से, फ्रेश होने से करते हैं, तो उसी में नहा धोवा लेने के बाद एक श्लोक, दो श्लोक, पांच श्लोक, जितना आपको समय मिले उसमें ऐड कर लीजिए। छोड़ना कुछ नहीं है, बस केवल एक चीज ऐड कर लेना है। तो मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। इसका अर्थ भी मैं बताऊंगा। शुद्ध भगवत कृपा का भय नहीं अब काल का, जो महाकाल का भक्त भयन निर्भयता पाठ करना चाहिए। पाठ गीता का सदा करना बड़ा सत करना, जी को रोज गीता पाठ करना चाहिए। कहीं भी वो जन्मा है वो है, गीता किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, ये गीता पूरी मानव जाति के लिए है। और दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब गीता के अनुवाद हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई भी धर्म का धर्म वक्ता हमसे आकर के बहस कर सकता है, मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हारा धर्म जो कहता है उसके पहले गीता मेरी कह चुकी है। कुरान भी गीता का ही अनुवाद है, बाइबिल भी गीता का अनुवाद है, गुरु ग्रंथ साहब भी गीता का अनुवाद है, पारसियों का धर्म ग्रंथ भी गीता का अनुवाद है। जितना भी धरती पर ग्रंथ है सब गीता का ही ट्रांसलेशन है। तो इसलिए गीता क्या सिखाती है आपको? सबसे पहले गीता यही सिखाती है कि अमर हूं मैं आत्मा, गीता सिखाती है मुझे। हम सब लोग क्या हैं? शरीर नहीं है, आत्मा है। हम सबके अंदर एक आत्मा विराजमान है, उसी आत्मा से प्रेरित होकर के आप लोग वहां से चल के यहाँ सत्संग पंडाल तक आए हुए हैं। हम बख्तियारपुर से चल करके यहाँ आए हुए हैं। योगदान किसका है? आत्मा का। आत्मा अगर निकल जाए तो एक गिलास पानी आदमी नहीं पचा सकता है। इसलिए आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। और यह आत्मा क्या है? अमर है, ये मरती नहीं है। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन, अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एवच नित्यः सर्व गतः अस्थारुण अचलोयम सनातन नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। देखिए, अगर हमको कोई गोली मारेगा तो मेरा यह शरीर बस मरेगा, इसके अंदर जो आत्मा निवास कर रही है ये नहीं मर सकता। जैसा कि वीर भगत सिंह ने कहा था जेल में, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था जेल में, जब उनको आप लोग गए थे ना, वो दीवार में चुना जा रहा था जलिया वाला बाग में, उन्होंने कहा था मारो गोली। कितने लोग कुएं में कूद गए, कुएं में कूद गए उससे मर गए, कितने लोगों को उन लोगों ने गोली मार दिया। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद यही कह रहे थे कि मारो शरीर को, कितना गोली मारोगे, आत्मा नहीं मर सकती। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को गीता का ज्ञान था। जिन्हें गीता का ज्ञान नहीं होता है वह मृत्यु के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अरे बहुत रोइबो करोगे तो दुश्मन छोड़ देगा क्या, और दुश्मन के सामने कहोगे मारो, ये तो शरीर
मरेगा आत्मा थोड़ी मरेगी। यही वीर भगत सिंह ने कहा अंग्रेजों 5:05 में फांसी नहीं 4:30 लगा दो, क्योंकि ये शरीर को मारोगे तो गीता अमर कर देती है, गीता निर्भय कर देती है। आप गीता पढ़ो तो सही, आपको मृत्यु से जो डर लग रहा है वो डर नहीं लगेगा। आप कहोगे कि कल आएगी ससुरी, अजुए आए, हम तैयार हैं जाने के लिए, क्योंकि आत्मा तो निकलती है, कर्म के अनुसार किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, डरो अपने कुकर्म से। कि बढ़िया कर्म अगर कैले हो तो डर कौन चीज का, अगला जन्म फिर कोई बढ़िया घर में जन्म होगा। अभी देखो जो बड़े बड़े नेता मंत्री के यहाँ छोटे छोटे बच्चे जन्म रहे हैं, और जन्मे से विधायक मंत्री बन जा रहे हैं, ये कौनो जन्म के पुण्यात्मे न है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तू मर जा रहे हो, मुखियो नहीं बन जा रहे हो, और जन्मे से विधायक मंत्री बन गए, तो किसी जन्म का पुण्य है। भगवान कहते हैं मैं उन्हें सीधे राजर्षियों के कुल में जन्म देता हूं। तो निर्भय, वो निर्भय हो जाता है जो गीता पढ़ता है, उसको किसी तरह का भय नहीं रहता। आगे कहते हैं कि अज अमर अद्वैत हूं, गीता बताती है मुझे। इसलिए सब लोगों को गीता पढ़ना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है कि अज अमर अद्वैत, मैं उस प्रभु का पुत्र हूं, अमर हूं और अद्वैत हूं, द्वैत ही है ही नहीं, मैं उसी एक ईश्वर का अंश हूं। चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम, यह क्या कौन बताता है, गीता बताती है। और यही ज्ञान हर वेदों और उपनिषदों में है। गीता क्या है, जैसे आप दूध खरीदते हैं, पहले गाय खरीदते हैं, गाय जब बियाती है, खाना खाती है तो दूध देती है, फिर उस दूध को आप दही जमाते हैं गर्मा करके, फिर उस दही को आप मथते हैं, फिर उससे क्रीम निकलता है, मक्खन निकलता है, लास्ट में क्या निकलता है, घी। तो उसी तरह ये गीता क्या है, घी है, ये सार तत्व है। तो इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। भला बताओ मनुष्य अगर मौत से बहुत हम लोग डरेंगे भी तो क्या अमर हो जाएंगे। सासों माई तो डरिए रही थी, उनकरो सास डर रही थी, रोज दवाई पर दवाई, रोज दवाई पर दवाई, लेकिन बच पाई क्या। कहे आस पास जो था खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। जब काल आता है ना तो बॉडी गार्ड 18 लगा दो, बंदूक में न गोली रहेगी और न चलाने वाले में शक्ति रहेगा, काल आएगा और लेके चला जाएगा। एक राजा था, उसको सपना आया कि कल सुबह तुम मर जाओगे। जितना उसके राज्य में सैनिक थे सबको अपने महल के चारों तरफ खड़ा करवा दिया, बोला हवा भी उधर से नहीं आना चाहिए, मैं सुरक्षित रहूंगा, देखता हूं कैसे मर पा सकता हूं। जब समय आया काल का तो उसका मंत्री कहता है हुजूर काल तो आपको राजभवन में न मारने आएगा, मेरी सलाह है आप मानिए, आप एक तीव्र घोड़ा मैं मंगा रहा हूँ, उस घोड़े पर बैठ के एक दूर जंगल में चले जाइए, काल तो आपको यहाँ खोजेगा। कहा हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। एक घोड़ा पर बैठा, इतना तेजी से गया, अब उसको मरना लिखा हुआ था एक नाले में गिर करके। जब नाले तक घोड़ा पहुंचा और वो नाला क्रॉस कर रहा था कि घोड़ा गिरा नाला में धड़ाम से, वो जो राजा था गिरा एक पत्थर पर, और वहीं पर काल प्रकट हुआ, बोले राजन मैं तो यहाँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम पहुंचोगे, लेकिन मंत्री की सलाह मेरी प्रेरणा से तुमने मांग नहीं लिया। छोड़िए उतना दूर की कहानी, ये कंस जो आज मरा ना यह भी हर उपाय कर चुका था,
यहाँ तक कि सात छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी मार डाला था। भगवान कृष्ण को मारने की हर योजना पूरी कर लिया था। हाथी तो फलना, तो पहलवान, तो ढेकना, लेकिन यह कंस भी मौत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मौत पर एक ही आदमी विजय प्राप्त कर सकता है, जो महाकाल का भक्त हो जाए। महाकाल का मतलब, जब तू भगवान का भजन करने लगोगे तो ये शरीर छूटेगा और भगवान के ही शरण में चले गए तो मौत से ऊपर चले गए। इसलिए नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी भारत में थे, सब के सब प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। जितने महापुरुष थे, सब प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। और आज भी जितने बुद्धिजीवी हैं, सब लोग गीता पढ़ते हैं। इसलिए आप सब लोग भी यहाँ पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। इस कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से सब लोग, ये हम गीता आप लोगों को पूजा करने के लिए नहीं दिए हैं। डॉक्टर दवाई दे दे, अगरबत्ती दिखाओ, दवाई कर ले जाके डेली, फायदा करेगा? उसको खाना पड़ेगा। उसी तरह एक पन्ना दो पन्ना पढ़ना, घर में सुमति रहेगी, रोज पढ़ना। कहते हैं शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जग जाल है, इच्छुक हूँ भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का है। जब जो गीता का ज्ञानी हो जाता है, बस केवल वो भगवान की कृपा का लोभी रहता है। उसको धन दौलत का कोई लोभ नहीं। वो कहेगा, हे प्रभु, बस हमें आपकी कृपा मिल जाए। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो बाकी तो खाने पीने के लिए आपको भी जरूरत है, हमें भी है। उतना नारायण किसी न किसी रूप में आपसे ही मेहनत करवा करके उतना आपको व्यवस्था कर देंगे। लेकिन भगवान उससे ज्यादा भी नहीं देंगे कि तू हम भक्ति छोड़ के अब खाली रुपये गिन नहीं लगो। ज्यादा दे देंगे तो यह ना करोगे। इसलिए भगवान अपने भक्त को, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु हमको काहे नहीं देते हैं। देखिए, जो भगवान का ओरिजिनल भक्त होगा उसे भगवान उतना ही देते हैं जितना में वो माया में न घुस जाए। इसीलिए माता कुंती ने भगवान कृष्ण से, जब भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ सब कोई सब कुछ मांगता है और तुम चुप मार के सबसे पीछे खड़ी रहती है, तुम भी तो कुछ आज मांग लो। तो बोली, कन्हैया आप क्या चाहिए, मैं तो तुम्हें ही, जब तुम आते हो तो पीछे खड़ी हो, तुम्हें ही देखती रहती हूँ। हमारे आश्रम में गुरु महाराज के बहुत से ऐसे अनन्य भक्त हैं, जैसे ये गीता रथ दिए हुए एक बाबू साहब, वो जब आश्रम जाते हैं तो पीछे से स्वामी जी को ही सिर्फ देखते रहते हैं। और वो महाराज जी से बात करते हैं ना, कुछ केवल स्वामी जी को देखते रहेंगे, पीछे खड़ा होकर। बहुत से लोग फोटो वोटो खिंचाने के लिए अगल बगल, वो पीछे खड़े रहेंगे। तो उसी तरह कुंती ने कहा कि तुमको मैं देखती रहती हूँ, और अगर तुम देना ही चाहते हो कन्हैया, तो मेरा जीवन थोड़ा और दुखमय कर दो। क्योंकि जब सुख आता है तो मैं तुम्हें भूल जाती हूँ, और दुख आता है तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, तुम्हारी नाम लेते रहती हूँ। इसलिए देखते हैं, जितना भगवान का नाम दुख में याद आता है, उतना सुख में नहीं याद आता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा भी है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुखवा काहे को होय। दुख आएगा तो बहुत भगवान याद आएंगे, और सुख आ जाएगा तो कटैचिया केने रख लो, जल्दी से उठावो माथा पर, वह पहुंच जाएंगे, ट्रेन फेल हो जाएगा, वो मैंने एको बार राम राम नहीं आएंगे याद। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। आप सुबह कहीं निकले, गीता दर्शन कर लें, या एक पन्ना समय है तो पढ़ लें, और उसके बाद निर्भय चले जाओ।
जो भी काम आपका संसार में है उसे करते हुए शाम में सकुशल घर आ जाओगे। यहाँ जब तक जब तुम्हारी मौत आने वाली होगी भगवान ही बता देंगे पहले कि अब जल्दी से अब बुकिंग कंफर्म हो गई है, अब बहुत नहीं राम राम बढ़ा दो, भजन करो ना, भगवान सब बताएंगे आज कौन मिलेगा, कहाँ से क्या आएगा, कौन खाएगा, ये परमात्मा सब बताने लगते हैं। ये हृदय में जब प्रभु जागृत हो जाएंगे तो सब अनुभूति होने लगती है। तो कहते हैं कि पाठ गीता का सदा करना बड़ा सत्कर्म है। गीता का पाठ ही करना इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म है और इस सत्कर्म को हम सबको नहीं भूलना चाहिए। और पाठ गीता का सदा करना ही मानव धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। न यहाँ कोई हिंदू धर्म है, न कोई मुसलमान धर्म, न सिख धर्म, न ईसाई धर्म, यहाँ तो बस एक ही धर्म है, मानव धर्म। और ये सिर्फ सनातन वाले ऐसी बात करते हैं, हम सब लोग जो सनातनी हैं बड़े दयालु हैं, और धर्म वाले कुरीति के शिकार हो गए हैं। उन लोगों से मैं कहूंगा कि एक बार अपने कुरान और गीता को टैली कर लो, उसके बाद देखो कि जो गीता कहती है वही कुरान भी कहता है। तो उन लोगों को क्रूर बना दिया उनके धर्म गुरुओं ने, लेकिन हमारे धर्म गुरु जो हैं हमारे सनातनियों को सहिष्णु बनाते हैं, प्रेममय बनाते हैं, इसलिए हम लोग दयालु होते हैं और वो लोग क्रूर होते हैं। वो लोग भी जिस दिन से सच्चा दिल से गीता और कुरान को टैली करके पढ़ेंगे वो लोग भी दयालु हो जाएंगे और वो लोग भी ये जान जाएंगे कि हम लोग अपने धर्म गुरुओं के शिकार हो गए थे। तो आगे कहते हैं कि गीता ज्ञान का जिन्हें गीता ज्ञान गीता का जिन्हें दुष्कर्म वो करते नहीं। जिनको गीता का ज्ञान हो जाएगा वो अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस इंद्रिय सुख को ही हम सुख सो समझ बैठे हैं, ये हमारी भूल है। अगर अपनी वासनाओं को तृप्ति करने में आपको मजा आता है, चाहे वो नर हो या पुरुष हो, अगर इस वासना को रोक लोगे तो इससे कई करोड़ गुना ज्यादा मजा आएगा और उस मजा में तुम आनंद को प्राप्त हो लोगे। ये वासना तुम्हें भोगने के लिए नहीं मिली है, बल्कि एक दो तीन बाल बच्चा हो जाए, चार बाल बच्चा हो जाए, उसके बाद लंगोटी का पक्का हो जाए नर और नारी, फिर इसी ऊर्जा को परब्रह्म प्राप्ति में लगावे। ये नहीं कि बुढ़ापा तक सिर्फ जहां से निकला है उसी के फिराक में घूमता रहे, तो भगवान फिर वही घुसेर देते हैं जहां से निकले हुए हो। तो इसलिए जिन्हें भी गीता का ज्ञान होता है वो इंद्रियों से उपराम हो जाते हैं। भगवान ने कहा त्रैगुण्या विषया वेदा अर्जुन, तीनों गुणों से भवार्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठ, इन इंद्रियों से ऊपर उठ। आप विचार करिए कि वासना तृप्ति के बाद कितनी ग्लानी होती है, लगता है कि साला मर जाए, कहां हम फंस गए नरक में। तो उसको बस में जो करता है वही गीता ज्ञानी है, और वो बस में तभी होगा जब वो गीता ज्ञान का अध्ययन करेगा। इसलिए बच्चे जो युवा हैं उन्हें भी गीता पढ़ना चाहिए, जो बच्चियां युवा हैं उन्हें भी गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक समय तक उन्हें ब्रह्मचर्य रहकर अपने पठन पाठन का क्रिया अवलोकन करना है। उसके बाद जब शादी विवाह हो तो दो चार बच्चे पैदा करके फिर से गीता ज्ञानी हो जाना चाहिए और फिर से अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए, तो आप 100 वर्ष तक अपने जीवन को अनिवार्य रूप से जी सकते हैं। तो इसलिए गीता का जिन्हें ज्ञान है वो दूसरे के माई को माई, दूसरे के बहन को बहन, और दूसरे के पत्नी को पत्नी नहीं समझेंगे,
दूसरे को पत्नी को माता समान समझेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे के पत्नी के पत्नी समझने लगो। अब दूसरे के माई को माई, दूसरे के बहन को बहन, उनकी दृष्टि पवित्र हो जाती है, उनके दृष्टि में अपवित्रता नहीं रहती। और जिन्हें गीता का ज्ञान नहीं है वो चमड़ी को देख ले चलते हैं। क्या चमड़ी को देखते हो? इस चमड़ी में है कुछ? अभी घाव थोड़ा सा लग जाए तुरंत कहोगे करे तनिक हुआ बांध लीजिए, बड़ा महक रहा। ये जितना इन आपका ये दिख रहा है सब मल देता है, मल सब में से मल निकलता है। अभी किसी की आंख आप देखिए, कहे बाबा जी आपकी आंख तो बड़ी सुंदर है, और यह आंख में से अगर केचुर निकल जाए थोड़ा सा अभी, तो कोई कहेगा अरे महाराज केचुरिया पोछ लीजिए, बड़ा बेकार लग रहा है। यह कान कहेगा आपका कान तो एकदम कोयल जैसा है, कबूतर जैसा है, और यह कनवा में से तनी मवाद निकले लगे। तब बगले वाली औरत कहेगी अरे बहनी तू कनवा साफ करवा ना लो, ये महक रहा है। तो ये पूरे शरीर में मल भरा हुआ है। ये नाखून कितना बढ़िया लगता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लोग कहते अरे काटल नहीं जाता है, इन्हें खाना पैखाना घुसरल होगा, सबसे मल निकलता है। एक बहुत सुंदर बिटिया थी, और एक पंडित जी ने जाके एक राजा को बताया कि एक गरीब घर की बड़ी सुंदर बिटिया है। तो राजा लोग आयास पहले हुआ करते थे, आज के भी कुछ नेता लोग वैसे ही हैं और कुछ अच्छे हैं। तो वो राजा उसके घर पर चढ़ाई कर दिया। वो बिटिया जो थी सत्संगी थी, संत महात्माओं की संगत करती थी माता पिता के साथ जा करके। तो राजा गया बोला उसकी माँ से कि मैं तुम्हारे बेटी से शादी करूंगा। अब माई बेचारी गरीब आदमी राजा से लड़ सकती है? तैयार हो गई। बिटिया ने कहा राजा साहब अगली पूर्णिमा को लगन बढ़िया है, आप आइएगा मैं आपसे शादी कर लूंगी। राजा कहा ठीक है। बिटिया जो खाए उल्टी करके एक ड्राम में रख दे, कुछ खाए तो एक मक्खी खा ले, जैसे ही मक्खी खाए तो उल्टी हो। 29 दिन में वह लड़की एकदम पतला लकलक हो गई। जब राजा बारात लेकर के आया तो वो बुढ़िया के तरह गेटे पर लड़कियां बैठल थी। तो राजा बोला अरे वो कहाँ है बताओ। तो वो बिटिया कहती है कि ड्रम में बैठी है, ड्रम में। तो सोचा कि हमर डर से हो सकता है ड्रमवा में घुस गई हो। तो ड्रमवा जब जाके उखाड़ा तो खाली में उल्टी उसका भरा हुआ था। बड़ी तेजी से उसको राजा को गमका। राजा कहा तलवार से गर्दने काट देंगे, इसमें तो उल्टी भरा हुआ। बोले राजा साहब वो सुंदर कन्या मैं हूँ, और वो मेरी सुंदरता उस ड्रम में है, यह है शरीर में और कुछ नहीं है। तो ये चमड़ा क्या निहारते चलते हो, गुण निहारो। पतोहू देखे जाते हो तो चमड़ा देख के लिए आते हो। अब तोरा से तनी सुघर रहेगी तो अंग्रेजी पकबे न करेगी, कहेगी ससुईया तोरा से तो हम सुंदर हैं। तो इसलिए गुण देखो, रूप मत देखो। और ये बाहर जो भी दृश्य देख रहे हो ये बस केवल कुछ क्षण का है। तो कहते हैं कि ज्ञान गीता का जिन्हें दुष्कर्म वो करते नहीं, ज्ञान गीता का जिन्हें वो मौत से डरते नहीं। देखिए अर्जुन को गीता ज्ञान था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बात एक करोड़ की है, कोई कथावाचक इस तरह की बात आपको नहीं सुना सकता। उसको वो निर्भय है ही नहीं, वो भयभीत है, वो रटंत विद्या केवल आपको बता रहा। अर्जुन को गीता का ज्ञान था, और वह अर्जुन जब दिव्यास्त्र इकट्ठा करने के लिए कहां जाता है तो स्वर्ग लोक अर्जुन के पास, इंद्र के पास, अपने पिता के पास। और इंद्र ने उसकी व्यवस्था में एक सुंदर नारी को लगा दिया आगे अपनी। क्या नाम था उसका? उर्वशी। किसको भेजा था? उर्वशी को। उर्वशी को भेज दिया, बोला जाओ मेरा बेटवा आया है उसका सेवा करो बढ़िया से। उर्वशी जाके इतनी सुंदर थी, खड़ी हो गई अर्जुन के सामने। अर्जुन एक टक देखने लगा,
तो उर्वशी सोची, अरे इंद्र बोलता था कि मेरा बेटा जितेंद्री है और ये तो मुझे देख रहा है, तो ऐसे ऐसे की। बोले क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा मैं तो यह देख रहा था कि कुंती मैया का दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गया, इस स्वर्ग लोक में कुंती मैया कहां से आ गई, मेरी माई। तब वह श्राप दे दी, जाओ हिजड़ा हो जाओ। तो ये तब हिजड़ा हो गया। अब इंद्र कहा रे पागल, हमर बेटवा के हिजड़ा बना दिया तो बाल बच्चा कैसे होगा? तो बोली एक वर्ष तक ये हिजड़ा रहेगा और जब चाहेगा तब। तो वही जब वो उत्तरा को तनक दिन तनक दिन तनक दिन सुना रहे थे, उसी समय वो हिजड़ा बन गए थे, क्योंकि सब छिप सकता था, अर्जुन नहीं छिप सकते थे। तो इसलिए सज्जनों, अर्जुन के सामने दुनिया की सबसे बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी हो गई और वह गीता ज्ञानी अर्जुन उसको माँ के समान देखा। इसलिए गीता का जिसे ज्ञान है वो दुष्कर्म नहीं कर सकता, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ किसी भी घटना में एक पक्ष दोषी नहीं होता, दोनों पक्ष का दोष होता है। अगर किसी का लड़का लड़की भाग रहा है तो हमने देखा है कि 90% दोनों का दोष रहता है, 10% ऐसे केस आते हैं जिसमें किसी एक का दोष है। तो इसलिए दोनों पक्ष को गीता ज्ञान होना चाहिए। तो कहते हैं कि ज्ञान गीता का जिन्हें वो मौत से डरते नहीं, इसलिए नित ज्ञान गीता का सुमिरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। अब 9 बज गया, एक भजन के बाद